तो कहीं अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बैड इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, और साथ ही साथ अगर आप सारे यूट्यूबर को एक साथ देखने का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इन सबका एक सॉन्ग आने वाला है बीबी के वाइंस के चैनल पर, जिनकी वेब सीरीज़ का नाम है ढिंडोरा, जिसके अंदर राउंड 12 आशीष चलचलानी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर देखने को मिलेंगे। लेकिन आप सबको बता दूं इसको लेकर एक बहुत ज़्यादा बैड इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप सभी से छोटी मोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा 1 मिलियन के करीब है। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरे 1 मिलियन बहुत जल्दी हो सकते हैं। तो अगर आपका सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और एक गरीब का सपना पूरा कर दीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बिग इन्फॉर्मेशन देता हूँ शाहरुख खान के बारे में। आप सभी को पता है कि शाहरुख खान इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि उनके लड़के को यानी कि सन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ड्रग्स के मामले में, और उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम वगैरह लगाए लेकिन वो साबित नहीं हुए। लेकिन ऐसे में आपसे बता दूं, जो आर्यन खान के वकील है रोज़ाना बेल के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन इनकी बेल बार बार रिजेक्ट कर दी जा रही है। और आज भी आर्यन खान के जो वकील ने उन्होंने बेल के लिए अपील की थी लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दी गई। और आप सभी को बता दूं ये सारे मामले के अंदर एक हैशटैग बहुत ज़्यादा चल रहा है, शाहरुख खान का बायकॉट करो, यानी कि बायकॉट शाहरुख खान, बायकॉट SRK। तो क्या इसमें मैं आप सभी को कुछ बता दूं, जैसे कि आप सभी को बताया कि अभी शाहरुख खान के जो लड़के हैं यानी कि आर्यन खान, उस पर भी सिर्फ इल्ज़ाम लगाए, मतलब उस पर भी साबित नहीं हो गया ना ड्रग्स लिया था या उसके ना इन्वॉल्व था, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन आप सभी बता दूं, जो शाहरुख खान के हेटर हैं वो सिर्फ एक चीज़ ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बायकॉट शाहरुख खान, शाहरुख खान का बायकॉट करो, शाहरुख खान की मूवी का बायकॉट करो, ऐसे कई सारे हैशटैग और ऐसे कई सारे सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ाई जा रही है। हालांकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि शाहरुख खान का लड़का इसके ना इन्वॉल्व था या ड्रग्स के मामले में इसको मतलब कुछ पकड़ेगा, कुछ भी साबित नहीं हुआ, सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया। तो गाइस जो भी शाहरुख खान के फैन हैं उन सबके लिए एक बहुत ज़्यादा बैड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि शाहरुख खान के खिलाफ कई सारी साजिशें की जा रही है। तो गाइस इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए, कि शाहरुख खान के साथ ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया, बड़े बड़े मूवी दी, हम सबको एंटरटेनमेंट किया, तो लोगों ने ज़बरदस्ती ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आई थी पहली इन्फॉर्मेशन, आप सभी को दूसरी बड़ी बिग इन्फॉर्मेशन दे दूँ, राउंड 12 आशीष चलचलानी, बीबी के वाइंस एंड जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनका बड़ा सॉन्ग आने वाला है बीबी के वाइंस के एक वेब सीरीज़ के अंदर, आप सभी को बता दूँ हम सबके लिए एक बहुत ज़्यादा बैड इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, क्योंकि जो ताराबाई जो जोगिंदर है उन्होंने एक बहुत ज़्यादा मतलब एंग्री होकर एक वीडियो बनाया, इसके अंदर सारे यूट्यूबर को धमकी दे दी और डायरेक्टली बोल दिया कि मैं ढिंडोरा वेब सीरीज़ को रिलीज़ नहीं होने दूंगा। तो आप सबसे पहले छोटा मोटा वीडियो देख लीजिए ताराबाई जोगिंदर का, सबसे पहले वीडियो देख लीजिए। अरे ओ कैरी मिनाटी ट्रिगर इंसान, कान खोल के बात सुन लियो, जो तुम्हारी ढिंडोरा वेब सीरीज आ रही है ना, ढिंडोरा पेट दूंगा, निकालो अपनी ढिंडोरा वेब सीरीज, देखता हूँ कितने बड़े 30 मार खा रहे हो तुम, कुत्तों की फौज आ रही है एक साथ, पहली बार यूट्यूब पे ढिंडोरा वेब सीरीज आ रही है, कुत्तों की फौज, सारे के सारे छपरी यूट्यूबर, अरे कान खोल के बात सुन लियो, जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर तब तक मार्केट के अंदर है ना, तुम अपनी वेब सीरीज रिलीज करके दिखा दियो, चक्का चक्का जाम करा दूंगा पूरे NCR का, पूरे भारत में ना चक्का चक्का जाम होगा अगर तुम्हारी। खैर मैं छोटा मोटा वीडियो देख ही लूंगा ताराबाई जोगिंदर का, जिसके अंदर साफ साफ कह दिया कि मैं ये वेब सीरीज को रिलीज नहीं होने दूंगा। तो ऐसे में आप क्या क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इससे पहले कई बार उन्होंने यूट्यूबर को बोल दिया छपरी वगैरह, आप सभी को बताया करीम नाटी को, मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं उन सबको मतलब कुछ ना कुछ ये बोलते रह रहे हैं, हेड पहुंचाते रहे। तो ऐसे में आपका क्या कहना है इनके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आखिर में आप सभी छोटी मोटी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब करने से मेरे 1 मिलियन का ड्रीम पूरा हो सकता है, अगर आप कर देंगे तो आपकी मेहरबानी, नहीं करेंगे तो फिर भी आपकी मेहरबानी।